जनपद पंचायत चिचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहपानी में सरपंच सचिव द्वारा किए भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के सामने जमकर नारे लगाए। कहा, हम अपना अधिकार मांगते हैं और किसी से भीख नहीं मांगते। इस पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि तत्काल विकास का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। वहीं तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण किया गया और बड़े बड़े आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन को शांत कराने के लिए झूठी दिलासाएं दी जा रही हैं। जब तक सरपंच सचिव और भ्रष्टाचारियों को पद से हटाकर उन पर भ्रष्टाचार और शासकीय राशि गबन करने का मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और अब हम पैदल चलते हुए कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर पहुंचेंगे, जहां कलेक्टर को अपनी बातें रखते हुए धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। कलेक्टर द्वारा अगर हमारे विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल तक पैदल जाकर मुख्यमंत्री महोदय को समस्त बातों से अवगत कराया जाएगा। जी, हमारी कोई बड़ी समस्याएं नहीं है जी, पंचायत की छोटी मोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन सब परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सचिव सरपंच ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होते। जिनकी प्रशासन द्वारा उचित जाँच कर मांग की गई है, आज हमारा धरने का छठा दिवस है और जिसमें हमारी SDM महोदय की उपस्थिति हुई, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है लेकिन कोई लिखित जांच प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई, इसलिए हम धरना को लेकर नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए प्रस्थान हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी करें। हम जिला मुख्यालय भोपाल तक पहुँचेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। सरपंच सचिव ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका लेखा जोखा कर उचित कार्रवाई करें और उन्हें उचित दंड भी दें जल्दी से जल्दी, हम मांग करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजा राम सलाम मोहपानी, मैं गौर समाज से हूँ। जो अधिकारियों की मिली भगत से उस भ्रष्टाचार खिलाफ हमने SDM मैडम, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए, इसके बाद हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। आज हमारे धरने का छठवां दिन है। इसके बाद शासन प्रशासन द्वारा हमें सही तरह से यानी हमारी समस्याओं को हल नहीं किया गया, इसको लेकर आज हमको कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होना पड़ा। यहाँ से यानी कागजों पर ₹3,000 की सब्जी, अधिकारी को बताया जा रहा है कि 3,000 की सब्जी खा गए, ₹50 किलो का नमक बताया जा रहा है, ₹27,000 का बिल लगाएगा जो सफाई के लिए, लेकिन जस्ट ग्राम पंचायत के सामने नाबेड अभी 2.5 साल से भरा हुआ है। अधिकारी मंचों पे कह रहे हैं, फोटो उतरवा रहे हैं कि हमारे सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोग भी चलें मोहपानी में, जस्ट ग्राम पंचायत के सामने नाबेड 2.5 साल से भरा पड़ा है। चार तो बहुत अधिक है, जो आंगनबाड़ी में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, ज़्यादा करके भ्रष्टाचार जो मोहपानी में काम दर्शाया जा रहा है बड़ा गांव में, वो काम जमीनी स्तर पर नहीं। पंच सचिव का जो आरोप है वो उसमें आमने सामने आके यानी आप कर सकते हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कलेक्टर मैडम को कि हमारे यहाँ सफाई हुई है। अब ये सब महिलाएँ हैं, या तो सरपंच साहब को हम ही लोगों ने चुना है, ये हमको उन पर विश्वास था, लेकिन जानकारी तो ये है कि करीब 6-7 महीने से मैडम नीचे आती नहीं है, उनका कोई बिचौलिया है जो पंचायत को चला रहा लगातार। कोरम नाम है जो लगातार CO साहब के संपर्क में रहते हैं और भ्रष्टाचार उन्हीं की देन है। पंचायत पूरी पंचायत की देख रेख वही करते हैं। लीलाधर लोधी किसान सभा तहसील उपाध्यक्ष, जहाँ पर भी धरना होता है किसान सभा का उसमें समर्थन रहता है, और गाड़ावर तहसील के जो समस्त समाजसेवी हैं, मैं उनसे नरसिंहपुर जिले के जो समाजसेवी हैं, इस न्याय की यात्रा में इन आदिवासी भाइयों का साथ दें, जिससे इनको ऐसा लगे कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ सभी क्षेत्र के समाज सेवी संगठन हैं। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।